हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्पेशली एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर सोडा बोतल फिलिंग प्लांट्स की टोटली जानकारी और ऑल डिटेल्स दी जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर आज तक की सबसे बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों, इसके अंदर फ्लेवर कैसे बनाना है, कैसे 100 दिन तक फ्लेवर अच्छा रहता है, कैसे स्ट्रांग सोडा बनता है, कैसे फ्लेवर मिक्स किया जाता है, कैसे बोतल में स्टिकर लगाया जाता है और कैसे बंच पैकिंग किया जाता है। दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर पूरी जानकारी हम टोटली जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप पूरी देखिए दोस्तों, जिससे आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। ये बिजनेस अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं बिजनेस, इसको ऑपरेट करना है, मशीन में से सोडा फ्लेवर बनाना है, आपका खुद का एक ब्रांड बनाना है दोस्तों, और एक बोतल बनाने का कितना खर्चा गिरेगा और मार्केट में कितने में सेल होगा। जैसे कि अभी हमने इसमें स्टिकर लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑरेंज का स्टिकर है, ये ऑरेंज का स्टिकर है। हम ये वीडियो के अंदर ऑरेंज और जीरा मसाला का फ्लेवर आपको लाइव बना के दिखाएंगे दोस्तों, और मशीन में से सप्लाई करके, इसमें से फिलअप करके, कैपिंग करके और 25 पीस का बंच पैकिंग बना के आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। फ्लेवर कैसे बनी जाती है, उसकी रेसिपी क्या रहती है, क्योंकि कोई बहुत सारे कस्टमर के पास पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स नहीं होती है, जिससे उनका ब्रांड प्रॉपर चल नहीं पाता है मार्केट में, फ्लेवर खराब हो जाता है, बोतल दब जाता है, गैस उड़ जाता है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है और बहुत सारे फोन्स भी हमारे व्यूअर्स के कस्टमर के आते हैं जिन्होंने दूसरे कहीं से मशीन लिए, तो उनको हमको हमारे को बहुत सारे फोन आते हैं कि ये चीज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा, क्यों होता है वो चीज। मशीन के अंदर भी ऐसा बहुत सारा अलग अलग पार्ट रहता है जिसकी वजह से सोडा स्ट्रॉन्गनेस पावर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो मार्केट में दूसरी कंपनी बनाती है मशीन उनको नहीं मालूम होता है, उनको खाली सोडा शॉप कैसे बनाई जाती है, सोडा शॉप की मशीन में इस टाइप का डाइवर्टिंग करके बॉटलिंग प्लान देते हैं, लेकिन एक्चुअल नॉलेज उनके पास नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस रहता है फ्लेवर कैसे बनाना है। ऑरेंज का हम ये फ्लेवर है, ऑरेंज का फ्लेवर आपको बता देंगे कैसे इसका ऑरेंज का फ्लेवर बनाना है। अभी हम इसका पहला बंच बनाएंगे, फर्स्ट बंच बनाएंगे, जिसमें एक बंच के अंदर आपको 250 बोतल का प्रोडक्शन आएगा 200 ml का। एक बंच बनाने का सेट कैसा है और प्रोसेस कैसा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का एल्यूमिनियम का एक बर्तन लेना है, उसके बाद इस टाइप का चूल्हा लेना है आपको, और इस टाइप का एलपीजी का सिलेंडर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फ्लेवर का शुगर है, जितना रेसिपी की है उसके हिसाब से शुगर लेंगे, इस टाइप का बेहतरीन क्वालिटी का व्हाइट शुगर है, आप देख सकते हैं आपको व्हाइट शुगर ही रहना है। अगर आप कलर वाला शुगर रहेंगे तो फ्लेवर में कलर आ जाएगा दोस्तों, जैसे 7 अप, स्प्राइट है, लाइम लेमन, ऐसा फ्लेवर बनाएंगे तो डार्क कलर लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने व्हाइट कलर का टोटली शुगर लिया हुआ है। सबसे पहले शुगर लेंगे, इसका रेसिपी के हिसाब से 6 किलो शुगर डालेंगे, इसमें 6 किलो शुगर डालिए इसमें, इसमें भी 0 है, अभी 6 kg शुगर डालेंगे हम इसमें, आप देख सकते हैं। रेसिपी के हिसाब से हम इसमें शुगर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये 4 किलो हुआ है शुगर, टोटल 5 किलो का बैग है, तो 5 किलो शुगर हो चुका है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं 5 किलो शुगर डाला। ये हमें बर्तन में डाल देंगे, यहाँ पे बर्तन है हमारे पास, उसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 किलो और शुगर ऐड कीजिए इसमें, गया रेसिपी के हिसाब से 6 किलो शुगर ऐड हो चुका है। उसके बाद वाटर लेंगे दोस्तों, हम 6 लीटर वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर, ये लीटर साइज का है, ये 500 ml का एक पीस है। अभी ऐसे हम इसके अंदर डालेंगे, डालिए इसमें वाटर, ऐसे रेसिपी के हिसाब से हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है। अभी हम इसका जो प्राइमस रहता है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने प्राइमस के ऊपर इसको रखा हुआ है, इसको हम स्टार्टअप करेंगे। अभी हमने इसको प्राइमस को स्टार्ट कर दिया है, उसको हम थोड़ा प्रेशर से बढ़ा देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने प्रेशर से बढ़ा दिया है। उसके बाद इसका इस टाइप का एक चमचा रहेगा, इससे आपको थोड़ा हिलाते रहना है इसको, क्योंकि इसको हिलाएंगे नहीं तो शक्कर जो हो जाता है वो नीचे चिपक जाएगा। इसको आपको ओनली 5 मिनट तक हिलाना है, 5 मिनट तक ही आपको इसको मूवमेंट करना है, उसके बाद शक्कर पिघल जाने के बाद आपको हिलाना नहीं है इसको। ये
एक बार इसको उबाला जाएगा, उबाल आ जाने के बाद आप इसको बंद कर देना है। जब देख सकते हैं शक्कर और वाटर को हम अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों हमें जो फ्लेवर भी बना रहे हैं वो आपके लिए हम सैंपल के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको टेस्ट करना है, घर बैठे चेक करना है इसका स्ट्रॉन्गनेस, फ्लेवर का टेस्ट, इसको रेसिपी के हिसाब से कैसा बनता है, कैसा बॉटल रहता है, उसके ऊपर स्टिकर कैसा लगता है, फ्लेवर में कितना स्ट्रांगनेस होता है, ये सब चीज़ टेस्ट करना है तो आप अपने घर बैठे सैंपल मंगा सकते हो दोस्तों। हमारी टीम को कांटेक्ट करके इसका सैंपल मंगा सकते हो और घर बैठ के टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप आगे का डिसीजन ले सकते हो। आप देख सकते हैं अभी हम शक्कर को हिला रहे हैं अच्छे से। अभी हम इसमें ऑरेंज की रेसिपी के हिसाब से बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम जीरा मसाला का रेसिपी भी बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसको एक बार गर्म हो जाने के बाद इसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है हमारे को। नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा उसके बाद ही इसमें हम फ्लेवर मिक्स कर सकते हैं। तुरंत हीटिंग आइटम में उसका फ्लेवर मिक्स नहीं कर सकते दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे ये चाशनी में उबाल आ चुका है। जब तक उबाल नहीं आता है तब तक इसको उकालना है चाशनी को। अभी ये उबाल आ चुका है इसलिए रेडी हो चुका है चाशनी इसका। अभी हम इसको प्राइमर्स को बंद कर देंगे। अभी स्लो किया है क्योंकि हमारे को और दूसरा भी फ्लेवर बनाना है इसके अंदर, इसलिए अभी हमने इसको स्लो किया है। अब देखिए पूरा बेहतर क्वालिटी से चाशनी तैयार हो चुका है। इसको जब नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे उसके बाद हम इसमें ऑरेंज का फ्लेवर फिलअप करेंगे। अभी हम इसको उठा के रख देते साइड में। यहाँ पे आप रख देते इसको। उसके बाद दूसरा एक बाउल लेंगे इसके लिए। इसके अंदर हम दूसरा फ्लेवर मैक करेंगे। शुगर डालिए पहले। उसके बाद वाटर डालिए। रेसिपी के हिसाब से हम इसमें वाटर भी डालेंगे। रेसिपी के हिसाब से हमने इसमें पूरा फ्लेवर, शुगर और वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर। अभी हम इसका प्राइमर्स को स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा हीटिंग दे देंगे इसको। हीटिंग कर दिया हमने इसको और थोड़ा इसको हिलाएंगे जब तक चाशनी पिघल नहीं जाता है, शुगर पिघल नहीं जाता है तब तक इसको थोड़ा दो से तीन मिनट तक मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। ये दो फ्लेवर हम इसलिए बना रहे हैं कि एक ही साथ आपको हमारा जो मिनी प्लांट है 2+2 का, इसके अंदर हम आपको एक ही साथ दोनों फ्लेवर वर्क करा के बताएं कि इसको मशीन के अंदर से एक ही समय के अंदर दो अलग अलग फ्लेवर कैसे भरे जाते हैं। जैसे एक में हम इसमें दूसरा फ्लेवर लगाएंगे, इसमें दूसरा लगाएंगे, दोनों सोडा और दोनों सिरप लगा के दोनों आदमी कैपिंग करेंगे तो इसका लाइव परफॉर्मेंस और लाइव डेमो ये मशीन काम देंगे। ये मिनी प्लांट है हमारा, इसके अंदर हमारे पास 1+2, 1+3 और 2+2 है, तीन मिनी प्लांट है। उसके बाद DA-1000 है, ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत सारे और भी मॉडल्स है। तो हम ये मशीन में से लाइव डेमो दिखाएंगे कि आप 10 फुट बाई 10 फुट या 15 फुट बाई 15 फुट की जगह से अपना एक बॉटलिंग फिलिंग प्लांट का कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीन के अंदर, ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं इसमें भी उबाल आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे ये फ्लेवर में भी उबाल आ चुका है। अभी चाशनी होके तैयार हो चुका है, पक चुका है चाशनी। बेहतरीन क्वालिटी से पकेगा तभी इसका बेस्ट बिफोर अच्छा लाएगा, लाइफ जो रहेगा उसका तभी अच्छा रहेगा इसका। आप देख सकते हैं इसका उबाल आ चुका है इसमें। अभी हम इसको भी बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे और इसको भी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए स्टीर कर देंगे। यहाँ पे साइड में रख देंगे इसको। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दोनों में फ्लेवर ऐड करेंगे, उसके बाद मशीन के अंदर लगाएंगे, मशीन में से निकाल के सोडा बना के आपको दिखाएंगे और नेक्स्ट में सेपरेट पाउच भी भर के दिखाएंगे इसमें से। ये मशीन के अंदर भी पाउच कैसे भरी जाती है उसकी भी ये वीडियो के अंदर ही जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा बंद कर देते इसको। उसको भी हम बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं तो बंद कर दिया हमने इसको। अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे इसमें से।
व्हाइट शुगर यूज करने का रीजन देखिए दोस्तों, एक पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे, आप देखिए ये पहले हमने इसके पहले बनाया वो पूरा क्लीन है और क्लियर है, जरा भी इसमें एकदम वाटर जैसा ही दिखेगा आपको, इसको ट्रांसप्लांट दिखेगा पूरा। अगर चीनी कलर वाला रहता है, येलो रहता है, तो इसका डार्क भी कलर डार्क हो जाता है इसके अंदर। अभी दोस्तों इसको थोड़ा 2-3 घंटे में इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने देंगे, उसके अंदर सब फ्लेवर मिक्सअप करके मशीन में से सोडा और सब निकाल के बताएंगे दोस्तों, और आपके लिए सैंपल भी रेडी करेंगे, तो उसके बाद हम आपके सामने लौटते हैं। थैंक यू।